फरुखाबाद में गंगा का जलस्तर घटने के बाद भी गांव में घरों में बाढ़ का पानी भरा होने से ग्रामीणों की मुश्किलें लगातार बढ़ गई। लेकिन इस बीच खबर यह कि अयोध्या अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के गठन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। वहीं हरिद्वार में गठित अखाड़ा परिषद ने प्रयागराज में हुई अखाड़ा परिषद के गठन को फर्जी बताकर कानूनी कार्रवाई करने की बात की। अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता महंत गौरी शंकर दास ने कहा कि 7 अखाड़ा परिषद हमारे पक्ष में है। इस वक्त हम मौजूद हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत गौरी शंकर दास जी के पास, जो आज उन्होंने कुछ आपत्तियां की हैं अखाड़ा परिषद की मीटिंग को लेकर के। क्या आपत्ति है, हम उन्हीं से बात करते हैं। हमें आपत्ति कल यानी 25 तारीख को हुए अखाड़ा परिषद के तथाकथित अखाड़ा परिषद के चुनाव को लेकर के है, जिसमें उन्होंने 8 अखाड़ों के समर्थन का दावा किया है, जो झूठा है, निराधार है, हास्यपद है। उन्होंने निर्मोही और निर्मल अखाड़े के समर्थन का दावा किया है, जो गलत है। मदन मोहन दास जी निर्मोही अखाड़े के सदस्य नहीं हैं, पत्र के माध्यम से उन्होंने समर्थन किया है। निर्मल अखाड़े का समर्थन की बात किया है, तो जो पदेन अधिकारी होता है वही वोट देने का समर्थन करने का अधिकार उसके पास में होता है। तो निर्मल अखाड़े के श्रीमान पूज्य श्री ज्ञानदेव सिंह जी और जसविंदर शास्त्री जी का प्रत्यक्ष बैठक में मौजूद रहे, और 20 तारीख को जो कार्यकारिणी गठित हुई है, जिसके रवीन्द्र पुरी जी महानिर्वाणी अखाड़ा के अध्यक्ष हैं, राजेंद्र दास जी महामंत्री हैं निर्मोही अखाड़े के, तो एक श्रीमंत के रहते हुए कोई अन्य व्यक्ति कैसे जाकर के समर्थन कर सकता है। ये गलत बात है, झूठी बात है, भ्रामक बात है, और ये झूठा प्रचार प्रसार के जैसे। किस तरीके से आप कार्रवाई करने की मांग अब कर रहे हैं, या कोई विधिक कार्रवाई करेंगे? निश्चित रूप से आने वाले दिन में विधिक रूप से कार्रवाई की जाएगी, और जो ये एक कार्यकारिणी के गठित होने के बाद जो विधि संबत है, उसके गठित होने के बाद में इस प्रकार की जो कुचेष्टा की गई है, तो निश्चित रूप से एक विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे जो है अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत गौरी शंकर दास जी, जो बता रहे हैं कि अखाड़ा परिषद की जो बैठक करके श्री महंतों का समर्थन हासिल किया गया है वो भ्रामक है, कुप्रचार है, उसके विरुद्ध वो विधिक कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। अब जल्द ही अखाड़ा परिषद पर एक विधिक कार्रवाई करेंगे। महेंद्र त्रिपाठी, लाइव टुडे, अयोध्या।